इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जनक जी की ये सुंदर वाटिका आहा नव पल्लव फल सुमन सुहाए नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुरलोक लजाए निज संपत्ति सुरलोक लजाए जातक कोकिल कीरच कोरा जातक कोकिल कीरच कोरा ओ जात बिहर नटत कल मोरा ओ जात बिहर नटत कल मोरा ओ जात बिहर नटत कल मोरा। पुष्प देखने के लिए वाटिका नहीं, घर में जगह न हो एक तुलसी माँ का बिरवा लगा लीजिए, एक देसी गेंदे का फूल का पौधा लगा लीजिए, दोनों गम काते रहेंगे। कई बार लोग हमको अपने घर का दर्शन कराते हैं, 500 गमले लगा रखे हैं, जहाँ नाक ले जाओ एमां तो कुछ है ये नवा हो, महाराज जी देखने वाला है, देखो अघाओ। कौन सा पुष्प है जी सुगास रही है, देखो ये तो पुष्प है। आप आश्चर्य नहीं करेंगे, मिट्टी में भी सुगंध होती है। जिस मिट्टी में सुगंध नहीं उस मिट्टी में आप राजमहल बना दीजिए, 12 साल बाद वो खंडहर हो जाएगी। ऋषि मुनियों ने सब सौधा साधा है, हो मिट्टी में भी सुबास है, मनुष्य में भी सुबास है। संभव है महापुरुष चिंतन करते हैं कि भगवान आए इसलिए 6 ऋतु भगवान का दर्शन करने एक साथ आ गए, पक्षी आ गए, हो सकता है। कई महापुरुष जहां उपस्थित होते हैं वहां सारी ऋतुएं सब ऋषि मंडल साधु संत सब उपस्थित हो जाते हैं, उनका तप ऐसा है। भैया सरकार ने देखा रत्न जड़ित दिव्य सरोवर के चारों घाट, जनकराज महाराज के ऐश्वर्य का क्या कहना, सरोवर में भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, बहुत प्रकार के कमल खिले हुए हैं। भगवान को आराम मिला, विश्राम मिला, मन मोह लिया सरोवर ने, स्थान की प्रधानता है, व्यवहार की प्रधानता है और भाव की भी प्रधानता है। जिधर जाए मन वाटिका में उधर रम जाए, लोभाए जाए, चहु दिस चित्तई ओछिमाली लगे ले दल फूल दल माने तुलसी दल, दल माने विल्व पत्र। प्रसन्नता के साथ भगवान विल्व पत्र और तुलसी दल उतारने लगे, पुष्प संहारने लगे, पूछ कर ठीक इसी व्यवहार के मध्य में मेरी जगत जननी माँ भगवती सीता महारानी माँ गौरी की पूजा हेतु
वाटिका में प्रवेश कर लिया। आज हमारे देश में बहनें, बहुएं, माताएं हरितालिका व्रत रहती है ना। यहाँ भी कुछ माताएं होंगी जो आई होंगी। ये माँ भगवती के लिए, माँ भगवती के ब्याज से, निमित्त से, सौभाग्य और परिवार के लिए माताएं रहती हैं। जो लोग भी यह व्रत हों उनको व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद आशीर्वाद। आपका भगवान मंगल करे, प्रभु से प्रार्थना है। आइए, श्री किशोरी मैया पूजा हेतु तो उपस्थित हो रही हैं, सखियां मंगल गान गाती हैं, हम आप भी थोड़ा स्मरण करें। गौरी दरबार चलो सखी पूजा, गौरी दरबार चलो सखी पूजा, गौरी दरबार शंभु दरबार। जन करो सब सखी लैया, शंकर के पूजन कर सब सखी लैया, गौरा जी के घर में आज, गौरा जी के घर में आज, मैया जी के घर में आज, मैया जी के घर में आज, सुरहो सिंगार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया। माँ ने सखियों के साथ दिव्य सरोवर में स्नान किया, वस्त्र आभूषण से सज्जित होकर माँ भगवती के शिव मंदिर में पधारी और पूजा कीन अधिक अनुरागा, निजयन रूप सुभग परु मांगा, निजयन रूप सुभग परु मांगा। अब गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, सखी जयकार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया। मंगल गान गाते सखियां पहुंची माँ भगवती के मंदिर में। जाने के पहले सरोवर में स्नान की, वस्त्राभूषण से दिव्य भाव में सुसज्जित भई पूजा के लिए पहुंची ही थी। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फूलवा, ते दो बंधु दिलो के जाई, हर सबस सीता। सखी प्रेम के वशीभूत होकर अति प्रसन्न भाव के साथ माँ के पास पहुंची। क्या बोली सखी, पूजा रोको, काहे रे पूजा रोकी जाती है, अरे रोको। देखिए पूजा के भी विभिन्न अंग हैं, स्नान, वस्त्रोपवस्त्र, चंदनम, सिंदूरम, धूप, दीप,
अब धूप के बाद न दीप रोक सकते हैं, न दीप के बाद नैवेद्य के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं, तीनों एक साथ है। अब धूप दीप हो गए आरती के लिए, अरे भगवान ले अरे, तो फिर हो गई पूजा। दीप रोकिए, धूप रोकिए, नैवेद्य के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते आप, ये क्यों नहीं कर सकते? जिस प्रकार भोजन के लिए आमंत्रण दे दिया, विजय करा दिया, अज्ञा विजय होती है ना गांव में, तो भोजन के लिए एक बार तो कहा जाता है, एक बार अज्ञा विजय होती है तो हाथ धो करके उस समय आया जाता है। अब कोई हाथ धो के बैठा है, आप कह रहे हो बैठा बैठा पूरी निकलत बा, तो हमारे आदमी होगा तो जाके घरे खाएगा, निकारा थोड़ा हाथ धुलवा कर आप प्रतीक्षा करा रहे हैं तो आप अपमान कर रहे हैं भोजन करने वाले का, ये संभव नहीं है, नहीं रोका जा सकता। उसी प्रकार धूप दीप हो गया तो फिर नैवेद्य चाहिए। यहां तक पूजा पूरी हो गई, धूप दीप नैवेद्य आरती भी हो गई थी, अब बचा था वंदन। तब तक सखी रानी आ गई, और सखी ने आकर के कहा, अरे जो नगर में आए थे वो इस वाटिका में भी आए हैं फूल डल लेने, चलो 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 देख ले। कैसे हैं? सखी ने दो ही बात कहा, जिहवा जो बोलना चाहती है उसके आंख नहीं है, जो आंख देख आई है उसके जुबान नहीं। श्याम गोर किम कहूं बखानी, गिरा नयन बिनु बरनत छवि जहां तहां सब लो अवसी सब लोग यही वर्णन करते हैं, अवश्य देखो, देखने योग्य हैं, देखने योग्य हैं, एक बार और देखो। यही तो बात है, लोग कहते हैं बार बार क्यों कथा सुनते हो, बार बार क्यों भगवान का दर्शन करते हो? देखो भैया, दर्शन की समस्या एक ही बार होती है, एक बार जिसने दर्शन किया सरकार का उसको बार बार दर्शन चाहिए ही चाहिए। है आंख वो जो नित भगवान का दर्शन किया करे, आंख का धर्म ही यही है, कर्म ही यही, आंख का धर्म कर्म जगत देखना नहीं है। मेरा मैया क्या कहती है, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।